हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे जो बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आज है 31st से एक दिन पहले। जी हाँ दोस्तों, यानी 30 मार्च है आज। 31st को आपको जो है बहुत ही बड़ी अपडेट आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, CBSE जो है अपना शेड्यूल जो है वो जारी करने वाली है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, CBSE ने अपने एग्ज़ाम्स जो है पोस्टपोन किए, जस्ट कि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से जो है पूरे देश में फैल रहा था उसकी वजह से। और अब जो है ये लॉकडाउन उसके बाद जो घोषित हुआ 21 दिनों का, लेकिन उसके बीच में जो है CBSE ने कोई भी जो है अपडेट जारी नहीं किया था। तो उनकी जो अपडेट आने वाली है वो आएगी 31 मार्च को, यानी कल। और कल आपको जो है डिसाइड होगा आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल में कंडक्ट होगा या नहीं होगा। अगर दोस्तों समझ जाइए, अगर ये लॉकडाउन, जैसा कि आप लोग ने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में काफ़ी जगह कि जो सरकार है वो अपनी हर पॉलिसी जो है 3 महीने के लिए कर रही है, यानी कि मजदूरों को फ्री में भोजन या फिर राशन वगैरह बांटना, ये सारी चीज़ें जो है 3 महीने के लिए। RBI ने जो है अपनी रेपो रेट कम कर दी 3 महीने के लिए। EMI नहीं लिए जाएंगे 3 महीनों के लिए। 3 महीनों के लिए हर चीज़ जो है शेड्यूल की जा रही है। उस हिसाब से ऐसा मन में सबके लग रहा है कि शायद जो है ये लॉकडाउन जो है और आगे जा सकता है। तो दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो जो CBSE बोर्ड है वो अपना एग्ज़ाम जो है अप्रैल में तो नहीं ले सकती, क्योंकि अगर ये लॉकडाउन कंटिन्यू हुआ तो अप्रैल में तो एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर आपका एग्ज़ाम होने का जो चांसेस है वो हो सकता है मई में। लेकिन दोस्तों, एक बात ये याद रखना कि CBSE जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10th जो स्टैंडर्ड वाले उनको जो है प्रमोट कर सकती है, लेकिन वो 12th का एग्ज़ाम ज़रूर लेगी, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो जो है 12th का एग्ज़ाम ज़रूर लिया जाएगा, चाहे अप्रैल के एंड में ले, चाहे मई में ले, या जून में ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन आपका एग्ज़ाम 12th स्टैंडर्ड का ज़रूर लेंगे। बिना एग्ज़ाम के वो आपको प्रमोट नहीं करने वाले हैं। तो ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपको जो है 12th में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये बिल्कुल ना सोचे कि पोस्टपोन होने के बाद आपको जो है प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए कि अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि कल के दिन आपको जो है ऑफिशियल अपडेट, जहाँ दोस्तों आपने यूट्यूब से वीडियोस बहुत देख लिए होंगे, लेकिन ऑफिशियल जो अपडेट है वो आपको कल जारी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है कब कंडक्ट किया जाएगा। क्योंकि CBSE जो है ऊपर के आला अफसरों के साथ जो है कंटिन्यू जो है बात वगैरह सब चल रही है कि क्या होगा, जो लॉकडाउन अपडेट होने वाला है या फिर 21 डेज के बाद जो है ख़त्म हो जाएगा, उसके हिसाब से जो है वो अपना कल शेड्यूल जो है जारी करने वाली है। तो उसी हिसाब से आपको पालन पड़ेगा कि 10th का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर 10th का भी एग्ज़ाम आपका होगा और CBSE जो है 12th का एग्ज़ाम लेगी या नहीं लेगी, सारी चीज़ें जो है कल आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे जो वीडियो के नीचे आपने कमेंट किए थे वो मिल चुके होंगे, बट कुछ भी क्वेश्चन और भी मन में है तो आप बेफिक्र जो है कमेंट कीजिए या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर हमारे चैनल के पेज पे दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। CBSE से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो आप जो है स्मार्ट न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।